मेरा नाम मनीषा कोहली है। मेरा नाम वर्तिका है। मेरा नाम कनिका है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। मैं आज जी न्यूज में वुमेन्स डे की एंकरिंग के लिए आई हूँ। मैं प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं विभा। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। जी न्यूज की तरफ से वुमेन्स डे का एक गिफ्ट मिल गया है। जी न्यूज के माध्यम से सारे इंडिया में अपनी बातें सुना सकती हूँ। कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं इसे न्यूज रीड करूंगी जाके। अनस्क्रिप्टेड है, कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रहे। इतनी सारी लेडीज थी एंड नोबडी फॉट। मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। इन आवर फैमिलीज वी हैव ग्रोन अप मेन एंड वुमेन टुगेदर। एज अ वुमन लड़कियों को बहुत कम आंका जाता है। वुमेन आर 100 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव देन मेन। मैं कहती हूँ कि यही प्रॉब्लम अगर आदमियों को होती तो वो लोग शायद महीने की 3 या 4 या 5 छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं। एंड लड़के ज्यादा गॉसिप करते हैं, लड़के ज्यादा फोन उठाते हैं, सारा दिन वॉक पे जाते हैं। रिसेंटली वेडिंग मैरिज हुई है आपकी, तो आप मैटरनिटी लीव पे जा सकते हैं। सो सॉरी, हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। वो कम सैलरी देते हैं लड़कियों को बिकॉज दे थिंक कि उनका पोटेंशियल कम है। परफेक्ट होती है लेडीज की हर काम को मैनेज करके चलती है। टाइम मैनेजमेंट उनके लिए मस्ट है। माई हस्बैंड स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर 30 मिनट्स और मैं 5 मिनट में तैयार होकर बाहर बैठी होती हूँ कि जल्दी आ जाइए, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। पुरानी बात हो गई, आजकल लड़कियां दे लेती हैं टाइम, लड़के लेते हैं। ये जरूरत कहाँ से आ गई है वंश आगे बढ़ाने की, जिसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि लड़के होने चाहिए। पहले तो निर्भया केस इतना लंबा चलना ही नहीं चाहिए था। औरतें ही औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करती। अपने बच्चों में यही संस्कार देने हैं कि एज अ लेडी की किस तरीके से, किस किस रूप में आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? मेरा नाम मनीषा कोहली है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आज महिला दिवस के मौके पर जी न्यूज की ओर से मुझे आपसे बातें करने का मौका मिला है, आपसे जुड़ने का अवसर मिला है। और मेरे साथ मेरी तरह कई और महिलाएं हैं जो पहली बार टीवी पर आपसे बातचीत करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम वर्तिका गोयल है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी न्यूज के माध्यम से मुझे पहली बार टीवी पर आने का मौका मिला है। हेलो, मेरा नाम अनीता मुकीम है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैंने आज तक कभी न्यूज स्टूडियो देखा तक नहीं, लेकिन आज मैं जी न्यूज के स्टूडियो से आप सभी दर्शकों के साथ बातचीत करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम निधि बख्शी है और मैं एक आर्टिस्ट, मॉडल और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अब तक मैंने कई महिला एंकर्स को टीवी पर बोलते हुए देखा था, सवाल पूछते हुए देखा था, लेकिन आज पहली बार मैं टीवी पर बोलूंगी, सवाल पूछूंगी, नई जानकारी शेयर करूंगी। हाय, मेरा नाम कनिका सूरी है। मैं एक मैथ्स टीचर और योगा टीचर हूँ और आज मुझे भी जी न्यूज के माध्यम से आपसे संवाद करने का मौका मिला है। नमस्कार, मेरा नाम मंजू भाटिया है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज के दिन जी न्यूज राष्ट्र की महिलाओं को समर्पित है। नमस्कार, मेरा नाम मोना जैन है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आप सभी को जी न्यूज की तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम विभा सोलंकी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्टूडियो में मौजूद हम सभी महिलाओं में से कोई भी न्यूज बैकग्राउंड से नहीं है। इस पहल के लिए हम सभी महिलाएं जी न्यूज की आभारी हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा मेहरा है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हम सभी महिलाएं इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हकीकत को जानने, समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रुचि तनेजा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। टीवी स्टूडियो से मेरा भी कभी कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जी न्यूज पर हमें महिलाओं पर एक संपूर्ण शो का हिस्सा बनने का मौका मिला है। हमारे देश में 65 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, यानी हम लोगों की आबादी जितनी है उससे अमेरिका जैसे 2 देश बन सकते हैं। और अगर हम महिलाएं ठान लें तो अपनी बदौलत ही भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना सकते हैं। भारत का अतीत और वर्तमान महिलाओं के गौरव गान से भरा है। हम महिलाओं ने बार बार इसे साबित किया है। महिलाओं के बारे में पहले यही कहा जाता था कि वे सिर्फ घर संभालने के लिए हैं, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी महिलाओं ने
ये दिखाया कि वो सिर्फ घर ही नहीं देश भी अच्छी तरह से संभाल सकती हैं और देश की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में भी उतर सकती हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक फैसले के बारे में तो पता है ना? सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये फैसला है अब सेना में महिलाओं को भी स्थायी कमीशन मिलेगा। ये खुशखबरी उन सभी महिलाओं को और ज्यादा प्रेरित करेगी जिन्होंने देश के लिए सेना की वर्दी पहनी है और उन महिलाओं के लिए भी जिनका सपना है कि वो सेना की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करें। आज सबसे पहले आपको उन वीरांगनाओं की कहानी देखनी चाहिए जो सेना में महिलाओं की शान बनी हुई है। ये कैप्टन तान्या शेरगिल हैं, राजपथ पर किसी परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। 26 साल की कैप्टन तान्या शेरगिल की इस उपलब्धि का उदाहरण देते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ये निर्णय सेना में महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार मिलने के लिहाज से बेहद अहम है। अब इनसे मिलिए, ये हैं भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी स्वरूप, जिन्होंने दिसंबर 2019 में ये गौरव हासिल किया। 2019 में ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत वायु सेना में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनेटकर की ये तस्वीर भी नारी शक्ति के शीर्ष तक पहुंचने की है। माधुरी लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचने वाली देश की सिर्फ तीसरी महिला है। हमारा देश वीरों का ही नहीं वीरांगनाओं का भी देश है। देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाली परंपरा रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अब तक चली आ रही है और इसी परंपरा का प्रतीक है शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल। शादी के सिर्फ 10 महीने बाद पति को खोने के सदमे से उभरना निकिता के लिए आसान नहीं था, लेकिन अब निकिता कौल भारतीय सेना में शामिल होने जा रही हैं। निकिता को चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कॉल लेटर आ चुका है। निकिता के जज्बे और जुनून को जी न्यूज का सलाम है। ये वो महिलाएं हैं जो रक्षा के क्षेत्र में नए भारत की नई रोल मॉडल हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला है जिनसे आप प्रेरित होते हैं, जो आपको मोटिवेट करती है? आप अपने जवाब हमसे शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग सफलता के कुछ सीक्रेट आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमें प्रेरणा किससे मिली। और इसके लिए आपको हम लेकर चलते हैं जी न्यूज के नारी शक्ति केंद्र में। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे पापा हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ही पंक्चुअल हैं, बहुत टाइम के बहुत पाबंद हैं और एक तरीके से उनका पूरा जीवन ही हमारे लिए एक शिक्षा का केंद्र है कि जिससे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मेरी प्रेरणा के स्रोत मेरी मदर थी, जो जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष करा है और शायद आज मैं जहां खड़ी हूं उनकी वजह से खड़ी हुई हूं। और उनके जाने के बाद मेरा बेटा जो अभी MBBS कर रहा है वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। कभी भी मैं अपने आप को डाउन फील करती हूं या कुछ डिप्रेशन में भी कई बार मैं भी आ जाती हूं तो मेरा बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। माय बिगेस्ट मोटिवेशन इज माय हस्बैंड। साउंड्स वेरी वियर्ड बट इट इज ट्रू। ही इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन। व्हेनेवर आई एम डिप्रेस्ड ही इज देयर टू चार्ज मी अप। ही इज अ बिजनेसमैन, डिस्पाइट गोइंग थ्रू ऑल द डिफिकल्टीज ही इज ऑलवेज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मदर रही है बचपन से ही। शी वॉज ऑलवेज अ वर्किंग वुमन, तो कभी भी हमें ये नहीं लगता था कि देर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन अ फादर एंड अ मदर इस तरीके से। एंड हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है सब कुछ करने के लिए, पढ़ाई के लिए, गेम्स के लिए, हर फील्ड में आगे रहने के लिए। इसलिए आई थिंक शी इज वन पर्सन दैट आई ऑलवेज लुक अप टू अगर मैं किसी भी तरीके से डीमोटिवेटेड फील करती हूँ तो। मेरी इंस्पिरेशन है मेरी मदर इन लॉ। मेरे हस्बैंड जब बहुत कम उम्र के थे मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। मेरी मदर इन लॉ ने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा किया, सब अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। मेरी मदर इन लॉ खुद भी अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और इतनी प्रैक्टिकल है, उनको लगता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए उसका प्रॉब्लम से अफसोस मत करो लेकिन उसका सोल्यूशन ढूंढो, क्या सोल्यूशन है। हम अपनी मदर इन लॉ को मजाक में समय कहते हैं, जैसे समय किसी के लिए नहीं रुकता वैसे मेरी मदर इन लॉ किसी के लिए नहीं रुकती, आगे बढ़ती रहती है। ओके, मेरी इंस्पिरेशन एक्चुअली एक पर्सन नहीं है, मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही है। दे आर बेसिकली लाइक यिंग एंड यांग, वो बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। अब आपसे एक घरेलू सवाल, महिलाओं को कहा जाता है कि वो सिर्फ घर के काम करने के लिए ही बनी है, मैं ऐसा नहीं मानती। अगर आप अपने घर में ये कह दें कि हमें छुट्टी चाहिए
तो आपके परिवार से ही ये सवाल आ जाएगा, तुम्हें क्यों छुट्टी चाहिए, तुम करती ही क्या हो। हमें लगता है कि ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। इस देश में सिर्फ हाउसवाइफ ही हैं जिन्हें ना तो कभी सैलरी मिलती है और ना ही कभी छुट्टी, और ना ही वो सम्मान जिसकी वो हकदार हैं। आपको पता है एक रिसर्च के मुताबिक महिलाएं रसोई में कुल कितना समय बिताती हैं? अपनी जिंदगी के 10 साल, जी हाँ 10 साल महिलाएं सिर्फ रसोई में खाना बनाते हुए गुजार देती हैं। और पुरुषों का कितना समय सोने में बीतता है पता है आपको? जिंदगी के करीब 22 साल। जितने भी पुरुष अभी जी न्यूज देख रहे हैं, हाँ फिर से सुन लीजिए, जिंदगी के 22 साल आप लोग सिर्फ सोने में बिता देते हैं। एक और दिलचस्प आंकड़ा है घरों में महिलाओं और पुरुषों के काम को लेकर, और आंकड़ा ये है कि भारतीय महिलाएं घर में रोजाना 5 घंटे काम करती हैं, जबकि भारतीय पुरुष घर में सिर्फ 19 मिनट काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी असमानता है और इस विषय पर एक चर्चा तो बनती है। तो फिर चलिए एक बार फिर जी न्यूज के नारी शक्ति केंद्र में, जहां इस विषय पर होगा एक सार्थक संवाद। तो मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, इनफैक्ट वो आटा गूंथ के रोटी भी बना सकते हैं, वो पूरी हेल्प करते हैं। मुझे एक बार मैं भी बोलूंगी इसमें, जैसे मैं पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी तो हमारे बहुत डिसिप्लिन था कि सुबह की ड्यूटी किसकी है। जैसे हमारी मॉर्निंग ड्यूटी होती थी 5 o'clock की, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में जाते थे किचन में खाना बनाने के लिए कि आज हमारी ये ड्यूटी है। हमने हाफ ऑफ कर रखा था कि आप सब्जी बनाओगे, मैं चपाती बनाऊंगी, आप पैकिंग करोगे, आप ये करेंगे। तो हमने शुरू से काम दोनों ने डिवाइड कर रखा था कि हम ये वाला आधा आप, ये वाला काम आप करोगे, ये वाला काम मैं करूंगी। मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, इवन हम सुबह साथ ही उठेंगे, बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो मैं किचन में जाऊंगी तो वो किचन में भी मेरे साथ कि हाँ कुछ अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी तो टाइम है 1 आवर का, तो कुछ इधर हेल्प करा दूं। फिर बच्चे, जैसे ही बच्चों को मैं जगाती हूँ, उनको ड्रेसअप कराती हूँ, तो उसमें भी वो वहां पहुंच जाएंगे कि हाँ मैं बच्चों को सॉक्स पहना दूं, शूज पहना दूं, तो वो पूरा ही जो है हाथ बटाते हैं। मेरी मदर को नॉर्मली बड़ी हम लोगों से कई बार नाराज हो जाती है वो कि तुम लोग उतने कॉन्शियस नहीं हो, और ये जेनरिक है कि भाई मैं ऑफिस जा रही हूँ या फिर मैं ऑफिस से आई तो मैं बैठी रह गई। बचपन से जो देखा है, माय डैड हैज हेल्प माय मॉम 100%, सो आई थिंक कुछ डिशेस तो मेरे डैड अच्छी बनाते हैं मॉम से, सो जब वो खाने का मन हो तो वी जस्ट हेल्प पापा आप बना दो। ऑल्सो व्हाट आई हैव नोटिस इज सिंस मेरा भाई इसी एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है, नाउ ही इज इन सिंगापुर बट ही ऑल्सो डज द सेम, उसको हेल्थ और न्यूट्रिशन का बहुत शौक है, सो वो जाके पूरा लंच बना देता है अपने घर के लिए या तो पूरा डिनर बना देता है इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउटसाइड। आई थिंक इन आवर फैमिलीज वी हैव ग्रोन अप मेन एंड वुमेन टुगेदर, सो ऑल्सो हस्बैंड्स एंड फादर्स हेल्पिंग 100%। इन माई केस माई डॉटर शी डजंट गो टू कुकिंग फॉर किचन, और मेरा बेटा इतना अच्छा खाना बनाता है, कोई भी चीज हो, जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे ये टेंशन नहीं होती दैट माय सन इज एट होम तो वो खाना बना लेगा, बट इफ माय डॉटर इज एट होम मुझे बड़ी टेंशन होती है कि वो खाना नहीं बनाएगी। तो थिंग्स आर डिफरेंट एट माय प्लेस। मेरा बेटा बहुत अच्छा खाना बनाता है, मेरी बेटी को बिल्कुल कुछ बनाना नहीं आता। तो आजकल वो नहीं है कि दो दो घंटे लेडीज किचन में है, आजकल दो दो घंटे जेंट्स किचन में पाए जाते हैं, लेडीज वेट करती है, यार वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, कब खिलाएगा हमें। तो यही बच्चों को घर से सिखाना है, बेटे अगर हमारे ये चीज देखेंगे, अपने फादर को करते हुए देखे, मेरे हस्बैंड ने अपने फादर को देखा है तो वो मेरी हेल्प कराते हैं क्योंकि वो मेरे फादर इन लॉ मेरे मदर इन लॉ के भी कराते हैं। तो हमें यही चीज अपने बच्चों में यही संस्कार देने हैं कि एज ए लेडी की किस तरीके से किस किस रूप में आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। देश में ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जो घरों में भी काम करती हैं और एग्रीकल्चर में भी अपना योगदान देती हैं। हम लड़कियां शॉपिंग भी जाती हैं, ऑफिस में भी 9 घंटे काम करती हैं और बाकी चीजें भी मैनेज कर लेती हैं। फिर भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो बात बात पर कहते हैं कि ये महिला है इससे ये काम नहीं होगा। यानी आपने पहले ही तय कर दिया कि ये काम पुरुष ही कर सकते हैं और ये काम महिलाएं ही कर सकती हैं। आप हमें बताइए धरती से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाओं के बारे में पहले यही तो कहा जाता था कि महिलाएं घर में रहें वही अच्छा है, अरे ये क्या बात हुई। आप एक बात जान लीजिए, महिलाएं सिर्फ घरों में बर्तन धोने के लिए नहीं बनी हैं। देश की महिलाओं ने दिखा दिया है कि मौका मिलने पर वो बैट और बॉल से भी दुनिया जीत सकती हैं। अब आप क्रिकेट में ही देख लीजिए, महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम अब विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। आपने विराट कोहली का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप शेफाली वर्मा का नाम जानते हैं?
शेफाली की बल्लेबाजी की बदौलत ही भारत की टीम फाइनल में पहुंची है। अब से कुछ घंटों बाद ये तय हो जाएगा कि क्रिकेट की दुनिया में भारतीय महिलाएं सबसे आगे हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल है और भारत के सामने है ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त पूरे देश की उम्मीद जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा टिकी है वो है शेफाली वर्मा, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए खौफ बन चुकी हैं। विश्व कप के 4 मैच में शेफाली वर्मा ने 161 के स्ट्राइक रेट से 161 रन बनाए हैं। उनके धुआंधार प्रदर्शन की बदौलत ही आज भारत फाइनल में है। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली शेफाली का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। रोहतक में एक भी क्रिकेट एकेडमी ने शेफाली को लड़की होने की वजह से एंट्री नहीं दी, लेकिन सोचिए लड़की होने की वजह से जिसके लिए कभी क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, वही लड़की आज भारतीय क्रिकेट टीम की सुपरस्टार बन चुकी है। और आज शेफाली की एक और बेखौफ पारी भारत को विश्व चैंपियन बना सकती है। आपको एक बात पता है, हमारी पुरुष क्रिकेट टीम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गई थी, जबकि हमारी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन जब सैलरी और सुविधाएं देखें तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, सिनेमा में भी हीरो को हमेशा हीरोइन से ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा अहमियत मिलती है। यही हाल दफ्तरों में भी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप अगर देखेंगे तो पुरुष और महिलाओं की सैलरी में बहुत फर्क दिखेगा। देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान 18% है, लेकिन हकीकत ये है कि पुरुषों के मुकाबले आज भी महिलाओं को सैलरी कम मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब आप भी तलाशिए और हम आपस में भी इस सवाल का जवाब एक चर्चा के जरिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहूंगी, मुझे लगता है कि एज अ लेडी या एज अ वुमन लड़कियों को बहुत कम आंका जाता है। व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपसे ऑलरेडी दे हैव अपने दिमाग में उनके ये चीज होती है कि ये तो छुट्टियां ज्यादा लेती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, जहां मैं प्रीवियसली जॉब करती थी वहां पे लड़कियां ज्यादा थी, पर जैसे अगर कोई मेटर्निटी लीव पर गई है या उसे जरूरत है छुट्टी की, या वो ये कह दे कि भाई मेरा बच्चा बीमार है घर पे, मुझे जल्दी जाने की जरूरत है, तो वो उसे बड़ी गलत उससे इंटेंशन से देखते थे और ये सोचते थे कि इसलिए हम, और कहते थे वर्बली कि हम इसलिए कम पैसे देते क्योंकि लड़कियां तो भाई 6:45 चली गई, या इस तरह की बातें करते थे। एंड दिस इज एन एक्चुअल इंसिडेंट दैट आई एम शेयरिंग, कि वो कम सैलरी देते हैं लड़कियों को बिकॉज दे थिंक कि उनका पोटेंशियल कम है, जबकि काम वो भी अगर जरूरत पड़ रही है ओवर टाइम करने की, काम हम भी 12 घंटे कर रहे हैं, लड़के भी 12 घंटे कर रहे हैं, बट आप ज्यादा बेटर समझते हो लड़कों को इम्प्लॉय करना दैन लड़कियों को इम्प्लॉय करना। प्लस इन द प्रोफेशन दैट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो लोग आउटस्टेशन ऑडिट्स पे नहीं भेजते क्योंकि आपके लिए उन्हें रूम अलग करना पड़ेगा, आपके लिए उन्हें कॉस्ट ज्यादा डिस्पोज करनी पड़ेगी, यू बिकम अ लाइबिलिटी फॉर देम। सो वो आपको उस तरीके से ट्रेन भी नहीं करना चाहते जिस तरह से लड़कों की ट्रेनिंग होती है, या उस तरह के असाइनमेंट्स नहीं देना चाहते जिस तरह के असाइनमेंट्स लड़कों को मिलते हैं। मैं इसमें एक और अपना एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। मैं स्कूल टीचर हूँ, जब मैं अपने इंटरव्यूज दे रही थी तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। मैं इंटरव्यू के लिए गई तो जो हेड थे वहां पे मैनेजमेंट थी, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो उनको पता चला कि मेरी अभी रिसेंटली मैरिज हुई है, तो उन्होंने कहा सॉरी हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो मैंने कहा क्यों, मैंने आपके इंटरव्यू के लिए आई हूँ सब कुछ, तो देन दे सेड कि आप क्योंकि अभी रिसेंटली वेडिंग मैरिज हुई है आपकी, तो आप मेटर्निटी लीव पे जा सकते हैं, सो सॉरी हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। मैंने उनको इतना रिक्वेस्ट किया आप एटलीस्ट मेरा, मैं अपना पूरा दिन स्पेयर करके आई हूँ, आप एक इंटरव्यू तो मना लीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप, क्योंकि हमारी अभी भी एक जो टीचर है वो मेटर्निटी लीव पे गई हुई है, हम आपको इसलिए मेटर्निटी लीव की वजह से वो चली गई, इसलिए अब हमारे को एक लेडी टीचर चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम हायर करें आपको और फिर आप मेटर्निटी लीव पे चली जाए। तो हमारा मेरा वहां पे इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और जो इंटरव्यू लेने वाली थी वो महिलाएं थी। सैलरी, सम्मान, इक्वालिटी, महिलाओं के लिए ये सब जरूरी है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है इस सेफ्टी है, उनकी सुरक्षा। निर्भया का उदाहरण आप सबके सामने है। 7 साल पहले निर्भया के साथ जो बर्बरता हुई उसके बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन फिर भी निर्भया को न्याय दिलाने में 7 साल से ज्यादा समय लग गए। ऐसा क्यों हुआ? आखिर हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी क्यों है कि एक महिला से गैंग रेप और उसकी हत्या के गुनाहगार 7 साल तक फांसी से बचे रहे? फांसी की तारीख टलने के बाद निर्भय की माँ के आंसू देखकर हमें रोना आ गया था। सोचिए जब निर्भया की माँ को इंसाफ मिलने में इतनी देर हो गई,
तो हमारी आपकी जैसी महिलाओं को न्याय मिलने में कितनी देर लगेगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं उम्मीद करती हूँ कि निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को जरूर फांसी होगी। आपको पता होगा कि जी न्यूज ने निर्भया के दोषियों को तुरंत फांसी देने को लेकर मुहिम भी चलाई और इस मुहिम को पूरे देश का साथ मिला। लेकिन सच तो यही है कि आज भी हमारे देश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। घर से बाहर निकलते हुए, सड़कों पर चलते हुए, स्कूलों में, दफ्तरों में, ट्रेनों में, बस और मेट्रो में, हर जगह महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर भी हमारा सिस्टम गंभीर नहीं है। जब समय से न्याय नहीं मिलता है तो अपराध बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। निर्भया के बाद भी हमारे देश में अपराध रुके नहीं। हर रोज हर घंटे आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई महिला अपराधियों का शिकार होती है। ऐसा इसलिए तो हुआ क्योंकि अपराधी बेखौफ है। उन्हें लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था पीड़ितों से ज्यादा अपराधियों को बचने के मौके देती है। मेरे देशवासियों, खासकर हमारे बच्चियों और महिलाओं या पुरुषों से भी हम पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मैं कोर्ट में खड़ी होती हूँ, हमारे ही सामने उनके अधिकार की बात होती है, ये बात कभी भी नहीं होती है कि नहीं किस तरह से निर्भया को मारा गया था, किस तरह से मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ उनको अधिकार की बात होती है। क्या आप सुनते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता? फाइट टू जस्टिस, न्याय की लड़ाई में महिलाएं अकेली क्यों पड़ जाती हैं? घर से बाहर निकलते हुए हमें डर क्यों लगता है? निर्भया को न्याय मिलने में 7 साल से ज्यादा क्यों लग गए? अगर महिलाओं को समय से न्याय मिले तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? इस विषय पर आइए एक बातचीत करते हैं। और इस मुद्दे पर हम महिलाएं क्या सोचती हैं? अभी आपको देखना चाहिए। ये मेरा एक बहुत मेरे को था कि मैं आपके पास आऊं तो ये टॉपिक जरूर आना चाहिए कि निर्भया को 7 साल लग गए, ऐसा क्यों? अभी भी जो दोषी हैं उनके वकील बोल रहे हैं कि इनकी ये पढ़ रहे हैं, मतलब एजुकेटेड लोग हैं, ये इनमें सुधार हो रहा है, दोषियों में इनको फांसी नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कहीं ना कहीं हमारे मतलब संविधान में या कुछ ऐसे रूल्स क्यों नहीं है जो विद इन अ वीक डिसीजंस क्यों नहीं लिए जाते? जैसे अभी ये डॉक्टर प्रियंका का हुआ था तो उनका एनकाउंटर हो गया था, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। सारी लेडीज उसके साथ सहमत होंगी। हाँ, जो डॉक्टर प्रियंका का हुआ था एनकाउंटर, उसमें भी लेडीज निकल के, आई हैव रेड इन पेपर्स, कुछ लेडीज निकल के आके ये कह रही हैं कि प्रियंका के उसके ऊपर आपने एनकाउंटर क्यों किया, और मेनली वो पॉइंट लेडीज का था। लेडीज वर ऑब्जेक्टिंग कि प्रियंका वाले पे आपने एनकाउंटर क्यों किया। लेडीज ही लेडीज के अगर दुश्मन बनेंगे तो लेडीज को कैसे? एनकाउंटर इज वन पार्ट ऑफ इट, बट देयर हैज टू बी अ जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जस्टिस सिस्टम फेल है क्योंकि जब जस्टिस सिस्टम हमारा ऐसा है कि एक बार मतलब निर्भया की माँ को जो जो गुनहगार है, मतलब उनकी जो एडवोकेट है वो कहते हैं कि आप देखते रहना, आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पे मतलब रह जाएगी और इनको कभी मैं फांसी की सजा होने नहीं दूंगा, ये थ्रेट है। और ये जो जुवेनाइल का है जो ये करते हैं, अगर आप ऐसे देखो जुवेनाइल को, तो उनको लगता है कि इनका तो माइंड सेट यही है कि हमारा क्या है, हम करेंगे, हम फिर से बाहर आ जाएंगे। मेन सिस्टर साइकोलॉजिस्ट है, तो साइकोलॉजिस्ट है, उसको एक बार इंस्टेंस मिला था कि जब जुवेनाइल्स वगैरह से जाके मिलना था उनको, तो उसने मुझे बताया, पर्सनली डिस्कस किया उसने कि इन सब की ये साइकी होती है, उनको लगता है कि मैं कुछ करूंगा उसके बाद मुझे पता, मैं अंदर जाऊंगा, मैं फिर वापस आ जाऊंगा, मैं जब तक 18 साल तक मैं करता रहूंगा। ऐसे भी कर सकते कि अपने आप को कहते मैं तो पागल हूं, और ये पागल निर्भय के सबसे ज्यादा जो सबसे गंदे तरीके से जिसने किया था सब वो जुवेनाइल था, और ये उसको अभी तक चल रहा है। ये बात तब भी रेज हुई थी कि जुवेनाइल लॉ उस समय भी चेंज होना चाहिए और उस पर भी कोई बहुत प्रोएक्शन उसको गवर्नमेंट ने नहीं लिया, मतलब उसको चेंज ही नहीं करा उन लोगों ने उस टाइम पे। जस्टिस सिस्टम उसको रेप करने की पता है, समझ है, उसको रेप करने की समझ है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि जब उसको फांसी चढ़नी चाहिए तब वो छोटा है, तब वो 18 साल से छोटा है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में क्या है, ऑब्वियसली इक्वल राइट्स बोथ साइड्स होती है कि भाई दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने की इजाजत हो, लेकिन दूसरे साइड चाहे वो टेररिस्ट के केसेस में होता है या चाहे वो रेप केसेस में होता है, दूसरे पार्टीज में इतना मतलब दे फ्रीली अलाउ देम टू एक याचिका के बाद दूसरी के बाद तीसरी, और वो सिस्टम डिले होता चला जाता है। सो देयर हैज टू बी अ कॉन्स्टेंट कि भाई इसके बाद या इस तरह के क्राइम में आपको
परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं मिले। एंड व्हेन इट इज फुल्ली प्रूव्ड कि आपने ऐसा करा है, तब तो मिलनी ही नहीं चाहिए। हमारा जस्टिस सिस्टम एज हमने डिस्कस किया, ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम अदर वे। पहले तो निर्भया केस इतना लंबा चलना ही नहीं चाहिए था, प्लस अगर वो सोशल मीडिया में आ गया, अगर वो सोशली इतना बड़ा बन गया, दैट इज व्हेन कुछ एक्शन लिया गया। निर्भया इज जस्ट वन केस, बाकी बहुत सारे केसेस जो फाइल भी नहीं होते हैं। सो नहीं, दिस इज नॉट ओके। द जस्टिस सिस्टम हैज टू बी कट शॉर्ट। 7 साल इज नॉट अ गुड टाइम। ये केस बार बार सिर्फ डेट नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ फास्ट ट्रैक केस। जो प्रोसेस है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वीक फॉर ईच प्रोसेस, शुड बी विद इन अ डेट और ओवर नाइट इफ पॉसिबल। अपने मेल मेंबर्स को यू विल हैव टू टीच दम हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। इट इज नॉट ओके टू रेप अ वुमन। इट इज नॉट ओके कि ऐसी लड़कियों को छेड़ दिया, उनपे उनको देखा। इट इज नॉट ओके। दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वुमेन आर ह्यूमन्स टू। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी।